हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, उसे यूज़ कैसे करना है और उसको ड्रॉप कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको एसक्यूएल पर काम करना है, एक बेसिक से बेसिक कमांड भी आपकी जब भी काम करेगी जब आप कोई डेटाबेस क्रिएट करके उसे यूज़ करेंगे। क्योंकि बेसिकली जो भी आप डेटा क्रिएट करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, वो एक डेटाबेस में ही जाके स्टोर होने वाली है। तो बिना एक डेटाबेस को यूज़ किए, उसको क्रिएट किए, आप एक बेसिक से बेसिक भी एसक्यूएल कमांड आप रन नहीं कर सकते। तो अगर आप क्रिएट, मान लीजिए आप कोई एक बेसिक सा एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं और आप एक डेटाबेस को यूज़ नहीं कर रहे, तो देखिए आपको एरर आएगा कि आपने कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया। मान लीजिए हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल अल्फा, ठीक है। बस उसमें एक कॉलम रखेंगे हम लोग, एम्प्लॉय नेम, वो होगा हमारा इंटीजर टाइप का, और हमने ये टेबल को क्लोज किया। तो ये देखिए बोलेगा नो डेटाबेस सिलेक्टेड, क्योंकि जो भी आप डेटा क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो सब कुछ जाके आपका एक डेटाबेस में ही स्टोर होने वाला है और वहीं से आप रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टोरिंग के लिए कोई बेस ही सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो जाएगा कहाँ पर? तो इसलिए ये ऐसे एरर आता है। तो सबसे पहले आपको एक डेटाबेस को क्रिएट करना होता है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपका कमांड है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, जैसे हमारा डेटाबेस का नाम हम रखेंगे ए बी सी डी, ठीक है। सेमी कोलन, एसक्यूएल में हर कमांड एक सेमी कोलन से ही एंड होता है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेरी ओके, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो अभी डेटाबेस चेक करने के लिए कि क्रिएट हुआ है कि नहीं और ऑलरेडी कितने डेटाबेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए कमांड है शो डेटाबेसेस। तो ये देखिए जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया अभी अभी ए बी सी डी, वो यहाँ पर है। तो अभी उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हमारा कमांड रहेगा यूज डेटाबेस का नाम ए बी सी डी। तो ये देखिए अब हमारा डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं ए बी सी डी। अब जो भी हम क्रिएट करेंगे टेबल, वो जाके इस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो अब हम टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्रिएट टेबल अल्फा, एम्प्लॉय नेम इंटीजर टाइप, ये हमारा ओके। तो हमारा क्वेरी ओके बोल रहा है, तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अभी देखने के लिए कि टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं, हमारा कमांड है देखिए, हमारा डिस्क्राइब अल्फा से हम लोग अपना टेबल चेक कर सकते हैं जो हमने क्रिएट किया। हम ये फील्ड जो हमने एक कॉलम का नाम दिया था एम्प्लॉय नेम, वो फील्ड में आके स्टोर हो गया, मतलब वो एक कॉलम का नाम है। टाइप हमने क्या दिया था, इंटीजर टाइप, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय नेम एक कैरेक्टर टाइप होना चाहिए, तो हमने ऐसे ही एक ट्राई किया था एक टेबल क्रिएट करने के लिए। तो इसमें एक नल वैल्यू हो सकती है, ऐसे बता रहा है। कोई एक की नहीं था, ये प्राइमरी की, डिफॉल्ट की, कोई कंस्ट्रेंट हमने दिया नहीं था, तो इसलिए कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। डिफॉल्ट वैल्यू इसका नल रहेगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम। तो देखिए इस तरीके से हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं एक डेटाबेस को यूज़ करने के बाद। अगर आप कोई डेटाबेस यूज़ नहीं करेंगे तो आप एक कोई भी एक सिंपल से सिंपल क्वेरी भी एसक्यूएल में रन नहीं कर सकते। और एक डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए हमारा कमांड है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने डेटाबेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे इतने सारे डेटाबेस हैं, तो मान लीजिए हमें ए बी सी डेटाबेस को ड्रॉप करना है, तो उसके लिए कमांड है ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम ए बी सी मान लीजिए हमें ड्रॉप करना है। तो ये देखिए वन रो अफेक्टेड। तो अभी अगर हम चेक करेंगे अब कितने डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए ए बी सी जो हमने ड्रॉप किया था वो अब डेटाबेस की लिस्ट से हट चुका है। तो इस तरीके से एक डेटाबेस को ड्रॉप किया जा सकता है। आई होप गाइज आपको सभी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम अपने अगले वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।